गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा एक एंटी नक्सल ऑपरेशन किया गया छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहाँ पर टोटल 6 माओस को मार गिराया गया है, जिसमें 6 महिलाएं भी थी। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में इस तरह टोटल 153 यानी कि 153 माओस को मार गिराया गया है। अब पिछले सालों की अगर हम बात करें ना, तो ये पिछले सालों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नंबर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में लगभग 46 डेथ्स देखने को मिली थी, 2022 में 30 थी, 2023 में 29 थी, पर इस साल ये नंबर बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में इंक्रीज होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश यही है कि जो भी इस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर हम यहाँ पे क्रैक डाउन करें, एंड उसी में ये ऑपरेशन भी यहाँ पे किया गया। साथ साथ अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल असेंबली की, तो यहाँ पर रेप के लिए, ठीक है, जब रेप हो जाता है किसी का, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको किया जा रहा है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन रेप करता है, गैंग रेप जैसी चीज होती है, या फिर कोई रिपीटेड ऑफेंडर होता है, उसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, प्लस जो इन्वेस्टिगेशन हो वो 21 दिन के अंदर कंप्लीट हो। तो ये एक एक्ट यहाँ पे पास किया गया है वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर, एंड जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को वेलकम किया है कि डेफिनेटली महिलाओं के अगेंस्ट जो रेप हो रहा है उसको रोकने के अंदर ये बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है, एंड बाकी जगहों के ऊपर भी, बाकी स्टेट्स के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पे मानना था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से IDMP सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर MCQs एंड साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ कि किस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वही एक चीज आपको हेल्प करती है जो लंबे समय तक चीजें आपके रिटेन भी करवाएगी, आपकी गलतियां भी सिखाएगी, एंड उन गलतियों से आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस के अंदर आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, तो जब हम थोड़ा प्रीलिम्स के करीब जाएंगे, उस समय हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा। फिर एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फेज होगा वहां पर हम अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो यानी कि ना, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेटेड मैनर में भी, एंड बाद में जब जब जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेटेड है। इवन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, आपके CSAT के MCQs भी इंक्लूडेड है, आपके 450 से ऊपर आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 30+ एसेज भी हैं, एंड GS के क्वेश्चन तो डेफिनेटली है ही है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, डेट है आज की 4 सितंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024। देखो, होता क्या है ना, दरअसल में हर साल सितंबर के महीने के अंदर आपका राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। पोषण का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, पोषण स्कीम के बारे में आप डेफिनेटली आप जानते होंगे। दरअसल में यहाँ पर जो पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये जो आपका स्कीम थी ये 2018 में इस तरह से लॉन्च करी गई थी। बाद में इसका सेकेंड 2.0 वर्जन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला, मिशन 2.0, जिसके माध्यम से हमने कोशिश करी किस तरह से न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी, आउटरीच और आउटकम्स हमारे अलग अलग जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है उसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे आपके जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनमें न्यूट्रिशनल आउटकम हम कैसे सुधार सकते हैं, ये अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, राइट। अब ये बात तो हमें चलो पहले भी पता थी। अब जब हम बात करते हैं ना पोषण माह की, तो इस बार ना जो मेजर फोकस हमें देखने को मिल रहा है वो है आपके अनीमिया के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको ना अनीमिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अनीमिया दरअसल में एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका जो ब्लड है ना वो RBCs को कम प्रोड्यूस करता है। आरबीसी क्या, आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या आप होमोग्लोबिन भी बोल सकते हो। और हेमोग्लोबिन की बेनिफिट ये होती है कि हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपके आरबीसीज में होता है, जो कि क्या करता है, जो कि लंग्स से आपका जो ऑक्सीजन होता है ना
वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर लेकर जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर अगर अनेमिया हो गया, तो उस केस में उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा एंड उसकी ग्रोथ हैम्पर होती है। अगर हम बात करें ना अनेमिया की, तो अनेमिया दरअसल में महिलाओं के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, जो महिलाएं 15 से 49 साल की हैं, इनमें लगभग 57% महिलाओं को आपको अनेमिया देखने को मिल जाता है एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। बाकी डेफिनेटली और कैटेगरीज में जैसे अडोलसेंट गर्ल्स, तो डेफिनेटली 59% 15 से 19 साल की जो बच्चियां हैं उनके अंदर भी है, ठीक है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वहां पर भी नंबर बहुत ज्यादा है, बच्चों के अंदर ही आपको बहुत मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अनीमिया बहुत हैविली हमारी कंट्री के अंदर, महिलाओं के अंदर खासकर ये ज्यादा प्रेवलेंट हमें देखने को मिलता है। हमने कई बार सिकल सेल अनीमिया के बारे में डिस्कशन किया है, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कशन किया है, तो ये अलग अलग टाइप्स हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, वाइटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। जब इतने मैसिव लेवल के ऊपर ये प्रेवलेंट है, तो सरकार की कोशिश भी है कि इसको यहाँ पे हम बेहतर करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत के नाम से, जो कोशिश ये करता है कि आपकी महिलाएं, चिल्ड्रन, अडोलसेंट, उनके अंदर हम कैसे अनीमिया को खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानना है, जिसका नाम है 6x6x6 स्ट्रेटेजी। ये जब भी आप 6x6x6 सुनोगे, आपको ध्यान आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, अनेमिया की। यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर पहले 6 का मतलब है 6 बेनिफिशरीज। कौन से 6 बेनिफिशरीज? वही बेनिफिशरीज जहां पर सबसे ज्यादा ये प्रेवलेंट है, जैसे चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं, 5 से 10 साल वाले बच्चे, अडोलेसेंट जो 10 से 19 ईयर्स वाले, उसके अलावा वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स। तो 6 का मतलब जो पहला है ना, इसका मतलब है आपके जो 6 बेनिफिशरीज हैं। दूसरे 6 का मीनिंग क्या है, 6 इंटरवेंशन करेंगे। क्या 6 इंटरवेंशन? जैसे आपका डीवॉर्मिंग हो गया, आपका प्रोफिलाइटिक IFA सप्लीमेंटेशन, बेसिकली मेडिसिन वगैरह यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना, बिहेवियर चेंज को कम्युनिकेट करना, टेस्ट एंड ट्रीट अप्रोच यहाँ पे हम अनिमिया के लिए, फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है ना, हम आयरन का डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए फूड के अंदर फोर्टिफिकेशन करेंगे, प्लस उसके साथ ही साथ जो भी आपके अनेमिया के नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं उनको भी हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो दूसरे 6 का मतलब है ये 6 इंटरवेंशन, और आखिरी 6 का मतलब है 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। जैसे ये अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जैसे आपका मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है ना, अनेमिया मुक्त भारत यूनिट हो गया, उसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च इसके ऊपर, फिर बाकी मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे देखो पहले का मतलब था इंट्रा मिनिस्टेरियल, आपस में मिनिस्ट्री के विद इन कोऑर्डिनेशन, एंड ये वाला है कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत तो है ही है ये वाला प्रोग्राम जो पूरा चल रहा है, बट अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इस तरह और बाकी मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है। बाकी डिजिटल डैशबोर्ड हो गया, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना, लॉजिस्टिक्स को और स्ट्रेंथन करना, ये यहाँ पे 6x6x6 स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी देखो वही है कि आपके आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो यहाँ पे मिले, बिहेवियर चेन को यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाए, ये डेफिनेटली चीजें हैं ही हैं। बाकी डेफिनेटली हमने पोषण 2.0 भी डिस्कस किया, जिसके माध्यम से जो भी आपका स्टंटेड ग्रोथ है, माल न्यूट्रिशन, अनेमिया, लो बर्थ वेट, इन सबको यहाँ पे हम टैकल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि इस तरह से जो 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024 है, हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, अब आप लोगों ने ना चीजें पढ़ी होंगी अपने फिजिक्स के अंदर कि सर एक तरफ तो होते हैं हमारे क्या, एक तरफ हमारे इंसुलेटर देखने को मिल जाएंगे, उसी तरह से एक हमारे देखने को मिलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें आपका जो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, राइट। इंसुलेटर में मतलब करंट को फ्लो करना काफी मुश्किल रहता है। अब ये तो दो एंड्स हो गए, इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं हमारे क्या, सेमीकंडक्टर। अब इनको सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है? सेमीकंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना जो करंट का फ्लो होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा फिजिकल मटेरियल जो कि आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है, एंड अकॉर्डिंगली इट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द करंट फ्लो, ऐसे डिवाइस को हम यहाँ बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर अलग अलग चीजों से बनते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन से बन सकता है, राइट, आपके जर्मेनियम हो गया, या कई बार आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे आपका कैल्शियम सेलेनाइड हो गया या आपके गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इन यहाँ पे अलग अलग चीजों से यहाँ पे ये बन सकता है,
ठीक है, ये बात हमें समझ आई। अब सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट पता क्यों होते जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गया, स्मार्टफोन्स, अप्लायंसेस, गेमिंग हार्डवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इस तरह अलग अलग चीजों में आपको देखने को मिल जाते हैं। आप ना अपने आसपास ना एक बार नजर दौड़ाओ, आपको अपना मोबाइल देखने को मिलेगा, स्मार्टफोन, रेडियोस, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मेडिकल इक्विपमेंट, इनमें से कोई भी चीज को इमेजिन करना विदाउट स्मार्ट आपका सॉरी सेमीकंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इतनी तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बढ़ रही है। और ऊपर से और देखो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ई व्हीकल्स हमारे जो आ रहे हैं, वहां पर भी आपके सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं। और इनफैक्ट ना बोला ये जाता है कि जब हम बात करते हैं ना नई इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री 4.0 की, इंडस्ट्री 4.0 में था जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनका बहुत बहुत मैसिव रोल रहने जा रहा है। तो ये चीजें हम जब हमें पता है कि किस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है सेमीकंडक्टर, तो हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि इंडिया में भी हम सेमीकंडक्टर को ज्यादा से ज्यादा बनाएं। इनफैक्ट यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया यहाँ पे मेजर चिप हब की तरह यहाँ पे सामने निकल के आए हैं। तो भारत की भी कोशिश है कि हम भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर, भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक मैसिव लेवल के ऊपर करें। उसी वजह से यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट को यहाँ पे क्लियर किया है, जो कि सेटअप होगा बाय बाय कान सेमिकॉन एट द कॉस्ट ऑफ 3,300 करोड़। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल $11 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेटअप कर रही है इन पार्टनरशिप विद ताइवान पावरशिप। उसके अलावा बाकी और पावर प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं बाय टाटाज, यूएस बेस्ड माइक्रॉन टेक्नोलॉजी हो गया, मुरुगप्पा ग्रुप के द्वारा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमारा जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम है ना, उसके अंदर यहाँ पे हमारा जो 76,000 करोड़ की हम यहाँ पे ओवरऑल सब्सिडी हमने अप्रूव करी हुई है, उसी के माध्यम से हम यहाँ पे अलग अलग कंपनीज को बेनिफिट भी देते हैं ताकि वो आके इंडिया में अपना प्लांट यहाँ पे सेटअप करें। ठीक है, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है ई श्रम पोर्टल के बारे में। अब एक्चुअल में ना आप लोग जानते होंगे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बारे में। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना अनऑर्गेनाइज वर्कर की, तो लेट से कोई ऐसा वेज वर्कर है जो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे काम कर रहा है, दिहाड़ी पे काम कर रहा है, एंड उसको यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइडेड। कोई होम बेस्ड वर्कर भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी हो सकता है, राइट? इनफैक्ट ना यहाँ पे सरकार ने बेनिफिट्स भी बताए हैं कौन कौन सी कैटेगरी है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, कोई माइग्रेंट वर्कर हो गया, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, ठीक है ना, आपके डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, या जितने भी और अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन सभी को कवरेज देने के लिए, इन सभी को कुछ बेनिफिट्स देने के लिए, इनको प्रॉपर डेटा इनका मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक पोर्टल हमें देखने को मिलता है, दैट इज ई श्रम पोर्टल। अब ध्यान ही रखना है ये कोई नया पोर्टल नहीं है, बल्कि 2021 में इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया था, जहां पर सारा डेटाबेस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो डेटाबेस होगा वो आधार के साथ लिंक्ड होगा, फिर अकॉर्डिंगली ना इन ऑर्गेनाइज वर्कर्स को हम अलग अलग बेनिफिट्स दे सकते हैं। आप पूछेंगे सर किस तरह के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे इनकी इंश्योरेंस होती है, प्लस जो इनके कार्ड्स होते हैं वो पूरी कंट्री में एक्सेप्टेड होते हैं। इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, जैसे अलग अलग ना कवरेज इनको प्रोवाइड है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, या इवन आपके जो जो जन आरोग्य योजना है ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, तो उसके बेनिफिट्स भी इनको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपका स्वनिधि वाली जो स्कीम हो गया, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्कीम्स का आपको कन्वर्जेंस यहाँ पे इसी पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सरकार की यही कोशिश है कि इस पोर्टल के माध्यम से हमारे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका एक प्रॉपर डेटाबेस हो, उनकी क्या समस्याएं हैं हमें वो यहाँ तक हमारे पास पहुंच पाए। तो एक तरह से जो पोर्टल है ना, ये वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। तो ये बातें हमें पता थी। अब एक्चुअल में क्या हो गया ना, इसके 3 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, एंड 3 साल के अंदर हमारे यहाँ पे 30 करोड़ से भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल के साथ रजिस्टर कर लिया है। एंड हमारी यहाँ पे यही कोशिश है कि हमारे जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, उनको हम अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको जो चाहिए अलग अलग सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के, वो उन तक पहुंच पाए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अकॉर्डिंगली बढ़े। तो ये सारे डेफिनेटली इस पोर्टल की बेनिफिट्स हैं जो कि 30 करोड़ अभी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स तक यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। एंड कोशिश यही होगी कि आगे और भी जो लोग हैं उनके साथ भी ये बेनिफिट्स पहुंच पाए। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट भेड़िया। देखो न्यूज के अंदर आजकल ये बहुत आ रहा है प्रोजेक्ट भेड़िया, अगर आप कभी टीवी ऑन करते हो ना तो आपको कई बार खबरें ये देखने को मिल जाएंगी प्रोजेक्ट भेड़िया जैसी। एक्चुअल में क्या है ना, जब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच की, यहाँ पर ना कई दिनों से भेड़ियों का आतंक, बल्कि कई दिनों से नहीं बल्कि पिछले 2 महीनों से ही भेड़ियों का आतंक जारी है।
एक्चुअल में क्या हुआ है, पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 8 लोगों को यहां पर इन भेड़ियों के द्वारा मार गिराया गया है। तो सरकार की यहाँ पे कोशिश है, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि यहाँ पर ऑपरेशन भेड़िया के माध्यम से हम यहाँ पर जो भी इस तरह से वॉल्व्स है ना, और जो वॉल्व्स है ना, ये ह्यूमन ईटिंग वॉल्व्स हो चुके हैं, मतलब ह्यूमंस के ऊपर बहुत मैसिव लेवल पे अटैक हो रहे हैं पिछले 2 महीने के अंदर, उनको यहाँ पे कैप्चर किया जाए। एंड यहाँ पर सरकार ने एक जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वो यहाँ पर ना टेडी डॉल्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिनमें जिनको सोक किया जाता है चिल्ड्रन के यूरिन के अंदर, ताकि एक तरह से ना ये भेड़िए वहां तक पहुंचे। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, जो भेड़िए हैं वो बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक कर रहे हैं, या जो जो उन जिनकी उम्र थोड़ी कम है, हालांकि अटैक सब पे कर रहे हैं, पर बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक यहाँ पे किया जा रहा है। तो सरकार की कोशिश यही है कि डॉल्स वगैरह यूज की जा पाए, वहां पे उनकी जो यूरिन की स्मेल होगी बच्चे को यूरिन की, उसको देख के यहाँ पे भेड़िए वहां तक पहुंचेंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर उनको यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ये यहाँ पे ऑपरेशन भेड़िया के अंदर कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग भी। अभी तक एक्चुअल में ऐसा बताया जा रहा है कि 6 वॉल्व थे, उनमें से 4 पकड़ लिए गए हैं, पर 2 वॉल्व को पकड़ना अभी भी बचा हुआ है। इनफैक्ट सरकार थर्मल कैमराज, ड्रोन्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल भी कर रही है इनको यहाँ पे पकड़ने के लिए। थोड़ा सा आपको इंडियन वॉल्फ के बारे में जानना चाहिए। दरअसल में इंडियन वॉल्फ जो होता है ना, वो साइज में बीच में आता है बिटवीन तिब्बतियन एंड अरेबियन वॉल्फ। अगर मैं बात करूं इनके हैबिटेट की, तो आपको ये स्क्रब्स, ग्रासलैंड्स और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड ये साथ ही साथ ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि ये रात के समय ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ना छोटे छोटे पैक्स के अंदर ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करते हैं, स्मॉलर पैक्स के अंदर। एंड आप नोटिस करोगे, ये जो आपका इंडियन वुल्फ है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेके इसराइल तक यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको देखने को मिल जाएगा। IUCN स्टेटस की बात करें तो दिस इज लीस्ट कंसर्न, WPO के अंदर आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएगा, एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है नमीबिया ड्रॉट के बारे में। पहले तो आप यहाँ पे नमीबिया की लोकेशन देख लीजिए। जब हम जाते हैं ना साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पे नमीबिया आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी बाउंड्री आपके अटलांटिक ओशन के साथ भी टच करती है। यहाँ पर इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट कंट्री बोत्सवाना आपको देखने को मिल जाती है। अब पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है ना, यहाँ पर बोत्सवाना के अंदर सूखा पड़ गया था, और ये जो बोत्सवाना के अंदर जो ड्रॉट स्टार्ट हुआ, ये अकॉर्डिंगली बढ़ता बढ़ता और देशों में भी फैलने लग गया। एंड इसी वजह से नमीबिया में भी आज के समय बहुत मैसिव लेवल के ऊपर आपको ड्रॉट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ये भयानक है, जो वर्स्ट ड्रॉट जिसको बोला जाता है ना, वो 1 सेंचुरी के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नमीबिया में ड्रॉट आना कोई बड़ी बात नहीं है, नमीबिया में 2013, 2016, 2019 में भी एक्सट्रीम ड्रॉट आए थे, उस समय भी देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर करी गई थी। पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी जो ड्रॉट आया है ना, ये उनसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जिस वजह से लोगों को बहुत मेजर इफेक्ट हो रहा है। अब ऐसे केस में पता क्या किया जा रहा है, नमीबिया यहाँ पर ना उसने प्लान किया है कि जो हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होंगे ना, इनको मार दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे वाइल्ड एनिमल्स को क्यों माना जा रहा है? देखो, वाइल्ड एनिमल्स को इसलिए मारा जा रहा है ताकि जो लोग हैं, नमीबियन सिटीजन्स हैं, उनको यहाँ पे मीट मिल पाए, क्योंकि देखो ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो फसलें उग नहीं पाई हैं, तो खाना नहीं है खाने को। तो नमीबियन सिटीजन्स को खाना प्रोवाइड करने के लिए मीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इस वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाएगा। और भी कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब सूखा पड़ा हुआ है, तो एनिमल्स को भी नहीं है पानी पीने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह के ऊपर। अब जब दूसरी जगह के ऊपर एनिमल माइग्रेट करेंगे, तो उस वजह से हो सकता है वो आम लोगों के, ह्यूमन पॉपुलेशन के भी कॉन्फ्लिक्ट में आए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ह्यूमन लोगों की जान फिर से क्वेश्चन में आ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि ड्रॉट का वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंपैक्ट कम हो, उस वजह से नमीबिया ने ये डिसाइड किया है कि इस तरह से वो कुछ यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। तो ये सारे फूड अवेलेबिलिटी कम हुई है, माल न्यूट्रिशन हमें फैलता हुआ देखने को मिल जाएगा, काफी एरियाज में डेथ भी देखने को मिली है, एंड महिलाओं और बच्चियों को कई कई बहुत लंबी दूरी जानी पड़ रही है ताकि उनको फूड कलेक्ट कर पाए या पानी कलेक्ट कर पाए। और इसका मेजर रीजन इस वर्स्ट ड्रॉट का यही है, एल नीनो, ठीक है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते भी हो, एल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट है, एंड ड्राई स्पेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से नमीबिया में इतना वर्स्ट ड्रॉट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो डेफिनेटली लोकेशन के साथ साथ ये कुछ कारण भी आपको यहाँ पे जानने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल के बारे में। देखो, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, यहाँ पर इनके द्वारा एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल को यहाँ पे पूसा न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया। पहले मैं आपको एग्री श्योर फंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, एग्री श्योर फंड के माध्यम से हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा
बाय इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। अलग अलग सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअल में आप लोग ना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में जानते होंगे, आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा भी होगा। तो दरअसल में ना हमने यहाँ पे कैटेगरी 2 फंड यहाँ पे बनाया है, जिसके माध्यम से डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज के माध्यम से मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि सपोर्ट जो प्रोवाइड करेगी ना, वो दोनों तरह की होगी, एक इक्विटी सपोर्ट भी हो सकती है, ये डेट सपोर्ट भी हो सकती है, ताकि एक तरह से जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे मदद करी जा पाए। तो अभी के लिए यहाँ पे 750 करोड़ का AIF 2 कैटेगरी 2 AIF यहाँ पे बनाया गया है, ताकि यहाँ पे मदद की जा पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड आपकी जो नबार्ड की एक सब्सिडरी आपको देखने को मिलती है, नैब वेंचर्स है, वो यहाँ पे इसके फंड मैनेजर की तरह यहाँ पे काम करेगी। तो ये तो था एग्री श्योर फंड। दूसरा जो हमने यहाँ पे बनाया है, दैट इज कृषि निवेश पोर्टल। अब ये एक पोर्टल है, निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसको बनाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ हमने कृषि निवेश पोर्टल यहाँ पे बनाया है, जिसके माध्यम से जो भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएगा। तो और साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के भी बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएंगे। तो एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से उसको सारे यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे विद रिगार्ड्स टू एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। दोस्तों आप चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है ना। एक मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ, कुछ बच्चों का यहाँ पे कमेंट्स में लिखना था कि सर अगर हम PYQs ना करके अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, मतलब डेली के दो दो क्वेश्चन हम एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग भी मुझे अपना सजेशन बताइएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि आप लोग क्या सोचते हो, कि शुड बी कंटिन्यू विद द PYQs ऑफ UPSC, या फिर हमें अब एमसीक्यूज जो डिस्कस करने चाहिए वो करंट अफेयर स्पेसिफिक करने चाहिए। दूसरा, पहली बात चलो ये हुई। दूसरी बात ना, मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही कम कमेंट्स आप लोग कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू दीज, जो मैं आपको होमवर्क वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। देखो अगर आपको ये बेनिफिशियल नहीं लग रहा तो आप मुझे बता सकते हो, फिर हम इनको भी स्किप कर सकते हैं एमसीक्यूज को। बिकॉज अगर आपका कमेंट ही नहीं, अगर आप करोगे, आप लोगों का बेनिफिट ही नहीं इस चीज का हो रहा, तो इट इज बेटर कि हम इसको अवॉइड ही करें। तो आप लोग मुझे बता दो कि शुड वी कंटिन्यू विद PYQs या ये करें, या फिर हमें एमसीक्यूज ही हटा देने चाहिए, ताकि अगर आपको ये वाली जो इनिशिएटिव है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो जो भी आपका सजेशन होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के ये दो आपके होमवर्क रहेंगे, पहला आपका बॉन्ड यील्ड्स के रिगार्डिंग है, एंड दूसरा आपका है इनमें से कौन सा एक्शन सरकार ले सकती है ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे कम हो। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते कैसे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो ह्यूमन कैपिटल, जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, एक इन ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो वहीं से आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल की, तो जो भी इंसानों की नॉलेज होती है, जो भी इंसानों की स्किल्स होती है, उनकी कैपेसिटीज को इंक्रीज करना, यही ह्यूमन कैपिटल इंक होगी। जबकि ये कैपिटल को और एकुमुलेट करना, ठीक है, ये बात नहीं है कि लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया, नहीं, लोगों के स्किल्स, लोगों के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, लोगों के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको इंक्रीज करना यहाँ पे आपका ह्यूमन कैपिटल के अंदर आएगा। एंड साथ साथ जो आपकी इनटेंजिबल वेल्थ होती है, इनटेंजिबल वेल्थ क्या होती है, एक कंट्री के जो लोगों की स्किल्ड पॉपुलेशन, उनका कल्चर, उनका आर्ट, उनका ह्यूमन रिसोर्स बेस, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल वेल्थ तो जो आपके पास पैसा वगैरह होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन नंबर C 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एक मैंने और होमवर्क दिया था आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। SHGs का डिस्कशन मैंने कई बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर किया हुआ है। SHG को जो स्टार्टिंग करी गई थी ना, वो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, बल्कि आपका इनका इनिशिएटिव था, नबार्ड का इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट अपना पहला करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप में वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यही है कि जो भी मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंगली अगर वो लोन ले रहे हैं ना, तो सबकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली बन जाती है। तो सेकंड इज करेक्ट, RRBs और शेड्यूल कमर्शियल बैंक SHGs का सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू फॉल्स के अंदर, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे एक साथ जिंक रूफर्स के बारे में, तो हमने देखा था कि ये पेरिस के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिला था, यानी कि फ्रांस के। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एमी होकोरो की जब हम बात करें तो डेफिनेटली हीट रेजिस्टेंस आपको प्लांट वाइट ही देखने को मिलती है, दिस इज करेक्ट। इसके अलावा यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग इनटेंजिबल हेरिटेज, ये दरअसल में इसको 2003 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।